अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज रमज़ान स्पेशल प्याज और आलू के पकौड़े बन रहे हैं बहुत क्रिस्पी से। साथ आपको तीन टिप्स दूंगी, उम्मीद है कि आपको रेसिपी और टिप्स दोनों बहुत पसंद आएंगी। सो कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल लाइफ वी लिव बाय सलमा आरिफ। मज़ेदार से क्रिस्पी से पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिया एक मीडियम साइज आलू, जिसको मैंने पतले स्लाइसेस में जो ऐसे लंबाई में काट लिया। जितनी पतली सब्जी आप पकौड़ों में काटेंगे उतनी जो है आपके पकौड़े जो है वो क्रिस्पी बनेंगे। एक मीडियम साइज अनियन मैंने लिया, उसको भी मैंने जो है वो लंबाई में जूलियन कटिंग में काट लिया। अभी हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्ची। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो दोनों चीजों को डाल लें। अच्छा जी, एक टीस्पून है रेड चिली पाउडर, एक टीस्पून है क्रश्ड रेड चिली, एक टीस्पून है नमक, एक टीस्पून चाट मसाला, एक टीस्पून मैंने लिया कसूरी मेथी। आप इसको हाथ पे डाल के और हल्का सा मसल के डालें तो फिर जो है वो खुशबू ज्यादा अच्छी आएगी। एक टीस्पून मैंने लिया है साबुत सूखा धनिया, एक टीस्पून इसमें जाएगा जीरा, एक टीस्पून हम इसमें जीरा डालेंगे, वो भी आप हाथ से मसल के और फिर ठीक हो गया। अभी हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन के। अच्छा जी, अभी हमने करना ये है कि हम इसको मिक्स करेंगे। मैं जो हूँ वो पकौड़ों में पानी बिल्कुल ऐड नहीं करती, मैं इसको मिक्स करके और बस 5 मिनट का रेस्ट देती हूँ। जो सब्जियाँ अपना पानी छोड़ देती हैं तो बेसन और सब्जियाँ जो हैं वो बहुत अच्छे से एक साथ मिक्स हो जाते हैं, इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पानी डालेंगे तो फिर पकौड़े मोटे से और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अभी आपको सूखा सूखा लग रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ी देर अच्छी तरह हाथों से मिक्स करके थोड़ा सा छोड़ दें तो ये बहुत अच्छा सा बेसन इसमें लग जाएगा। आप देखिए, मैंने इसको जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह बेसन और सब्जियों को जैसे गूंदा है और मैंने इसमें एक कतरा भी पानी नहीं डाला। आपने जो है इसको अब थोड़ा सा रेस्ट देना है और फिर जब फ्राइंग करना शुरू करेंगे तो आप फिर अच्छी तरह हाथों से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे तो बिल्कुल ज़बरदस्त जो है वो आपके क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। पाँच मिनट के रेस्ट के बाद मैंने ऑयल जो है वो बिल्कुल मीडियम आँच पर गर्म कर लिया है, बहुत तेज़ भी ना हो और बहुत वो भी ना हो, ठंडा भी ना हो, दरमियाना सा ऑयल हो। चलें जी, अभी हम इसमें डालते हैं पकौड़े। एक साइड से जो हमारे पकौड़े हैं वो बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए, अभी हम साइड चेंज कर लेते हैं। आपने पकौड़ों की जो साइड है वो बार बार चेंज नहीं करनी। एक साइड से ब्राउन होंगे तो बस दूसरी साइड चेंज करके आपने बस फिर पकौड़े निकाल लेने हैं। इससे जो है आपके पकौड़े बहुत क्रिस्पी और लेस ऑयली होंगे। दूसरा ये कि आपने पकौड़ों में बेसन कम डालना है। ज़्यादा बेसन होता है तो पकौड़े मोटे बनते हैं और वो बहुत थिक सा बैटर की वजह से वो क्रिस्पी नहीं होते हैं। अच्छा जी, और तीसरा आपने जो है इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना। मैंने देखे पकौड़ों में पानी बिल्कुल नहीं डाला। अभी एक साइड ब्राउन हो जाए, दूसरी भी हो जाए तो हम पकौड़ों को निकाल लें। पकौड़े हमारे बहुत अच्छे से हो गए हैं ब्राउन, इनको मैं निकाल लूंगी पेपर टॉवल पे। आप इन पकौड़ों को मेरी टिप्स के साथ जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगे। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई है। इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।